विजाननम भूतगणादिशेवितम कवित्वजं भूफलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि ईश्वर पाद पंकजम। भगवान श्री सूर्य नारायण 14 मई को मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीय उपरांत तृतीय तिथि से सौर ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो रहा है। यह मास आप सभी के लिए मंगलप्रद हो, विश्व का कल्याण करने वाला हो। इसी दिन अर्थात 14 मई को ही शुक्रवार के दिन परशुराम जयंती भी है, साथ ही साथ अक्षय तृतीया भी मनाया जा रहा है। इन दोनों ही पर्वों का आपको कोटि सह बधाई। अक्षय तृतीया जैसा कि नाम से ही सिद्ध है कि अक्षय जिसका कभी क्षय न होता हो, ऐसी तृतीया तिथि। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका क्षय नहीं होता है और यथाशक्ति इस दिन घरे में जल भर करके कुछ मीठा डालकर दान करना चाहिए। तिल चावल जौ एवं सत्तू के दान का विशेष महत्व है। भगवान श्री परशुराम का भी इस दिन प्राकट्य हुआ था, जिस कारण से इसे परशुराम जयंती के नाम से जाना जाता है। सतयुग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था, इसीलिए यह स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में गिना जाता है। जब कोई विशेष मुहूर्त न बन सके इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है।